नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने जब आपको आर्क वेल्डिंग पढ़ा रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि पोलरिटी का काफी ज्यादा वहां पर चर्चा चल रहा था। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आगे चल के मैं आपको पोलरिटी के बारे में एक स्पेशल वीडियो दूंगा। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे पोलरिटी के बारे में। ठीक, तो पोलरिटी मतलब होता है आपका, अगर हिंदी में बात करें तो उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवता। अब देखिए पोलरिटी का मतलब होता क्या है। तो पहले सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं पोलरिटी। ठीक, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ध्रुवता। अब इसको हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों पोलरिटी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पोलरिटी का इसका जो मेन रीजन होता है, जो पोलरिटी यानी कि ध्रुवता क्या करता है कि पोलरिटी इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द वेल्डिंग सर्किट। यानी कि दोस्तों जो हमारा वेल्डिंग सर्किट होता है उसमें धारा के प्रवाह की दिशा को बताना ही पोलरिटी कहलाता है। ठीक, तो एक चीज यहाँ पर लिख लीजिए कि पोलरिटी इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द वेल्डिंग सर्किट। वेल्डिंग सर्किट यानी कि जो वेल्डिंग परिपथ होता है उसमें धारा के प्रवाह की दिशा को ही इंगित करना ही हमारा ध्रुवता कहलाता है। ठीक, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग दो फिगर देख रहे होंगे, एक तो दोस्तों है आपका स्ट्रेट पोलरिटी और एक है आपका रिवर्स पोलरिटी। और कौन सा फिगर कौन सा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन रीजन की ध्रुवता क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ पर देखिएगा कि एक ध्रुवता यहाँ पर है आपका कि ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आपका जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है दोस्तों आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से चल रहा है यहाँ पर, तो निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये यानी कि धारा के प्रवाह की दिशा को बता रहा है। अब धारा देखिए कहाँ किधर से बहेगी, तो इलेक्ट्रॉन जिधर से चलता है उसके विपरीत दिशा में हमारा धारा प्रवाह होती है। तो धारा का जो प्रवाह होगा देखिए पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर होगा धारा का प्रवाह, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वह निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर होगा। ठीक, तो ये अंतर आप लोग जानिएगा कि धारा किधर से बहती है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। ठीक, ये हो गया। तो ध्रुवता का मेन कारण क्या क्या होता है, तो ये बताता है दोस्तों डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को ये बताता है। तो ये होता है दोस्तों डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो यानी कि धारा प्रवाह की दिशा। ठीक, तो धारा प्रवाह की दिशा है दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, ध्रुवता। तो वेल्डिंग परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करता है पोलरिटी। तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर एक नियम होता है जो कि नियम होता है आपका कन्वेंशनल थ्योरी का। कन्वेंशनल थ्योरी देखिए, इस कन्वेंशनल थ्योरी में बताया क्या जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये कन्वेंशनल थ्योरी ये रहता है, ये दोस्तों ये बताता है कि जो भी दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हमारा सोर्स है, ये इस सोर्स से, ठीक, यानी कि हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पॉजिटिव सिरा, यानी कि जो भी यहाँ पर पॉजिटिव सिरा रहेगा उससे दोस्तों आपका जो भी निगेटिव टर्मिनल रहेगा की ओर बहता है। ठीक, तो जो हमारा दोस्तों डीसी करंट होता है वह हमेशा दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर हमारा क्या होगा, धारा का प्रवाह होता है। तो जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर देखिए बताया गया है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सिरा है, यहाँ पर निगेटिव सिरा है। तो डीसी का सप्लाई हमेशा कहाँ से होगा, तो डीसी में दोस्तों देखिए डीसी का जो सप्लाई होता है वह हमेशा दोस्तों
इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होगी वह निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, लेकिन अगर बात करें धारा की दिशा तो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो चलेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वो चलेगा अपन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, लेकिन जो हमारा धारा की दिशा होगी वह पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर रहती है। ठीक, यही होता है दोस्तों, हमारा कन्वेंशनल थ्योरी यही कहता है। ठीक, कन्वेंशनल थ्योरी में यही कहा गया है कि जो हमारा दोस्तों डायरेक्ट करंट यानी कि जो डीसी करंट होता है वह हमेशा दोस्तों जो फ्लो होता है वह पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धन सिरा मतलब इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है ये क्या है हमारा, ज्यादा है, यानी कि हायर पोटेंशियल। ठीक, हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव सिरा, लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव सिरा। ठीक, यानी कि जो पॉजिटिव सिरे में ऊर्जा रहेगी वो ज्यादा रहेगी और जो निगेटिव सिरे में रहेगी उसमें ऊर्जा कम रहेगी, जिसके कारण दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो दोस्तों निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। ठीक, लेकिन जो धारा का प्रवाह होगा वह हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, यही कहता है हमारा कन्वेंशनल थ्योरी। ठीक, और देखिए, और इसी नेचर के कारण दोस्तों जो होता है पोलैरिटी का दोस्तों हम लोग यूज जो करते हैं वह डीसी में करते हैं, एसी में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल थ्योरी यही कहता है दोस्तों कि जो धारा का प्रवाह होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। ठीक, और जबकि जो हमारा एसी रहता है दोस्तों उसमें एक सिरा पॉजिटिव होगा और एक सिरा नेगेटिव, वो आपस में इंटरचेंज होता रहता है, जिसके कारण वहां पर दोस्तों हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आपस में आपको पता होगा कि 50 हर्ट्ज जो होता है एसी में, ठीक, एसी में जो 50 हर्ट्ज होता है हमारा, ये दोस्तों आपस में प्लस माइनस चेंज होता रहता है, जिसके कारण दोस्तों वहां पर जो हमारी ध्रुवता रहती है उसमें इक्वल हीट जनरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो हमारा डीसी रहता है पॉजिटिव सूर्य में कुछ अलग हीट जनरेट होगा, नेगेटिव सूर्य में कुछ अलग हीट जनरेट होता है, जिसके कारण दोस्तों हमें क्या होती है कि वेल्डिंग में इसका महत्वपूर्ण मतलब ये जो फैक्टर होता है पोलैरिटी, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसके कारण हम लोग सही से वेल्डिंग कर पाते हैं, वरना दोस्तों हम लोग डीसी से वेल्डिंग सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो पोलैरिटी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है वेल्डिंग करने में। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। और देखिए दोस्तों, हम लोग देखिए जो ओल्ड मशीनें रहती थी, ओल्ड मशीन में दोस्तों क्या होता था कि पोलैरिटी को दोस्तों हम लोग चेंज करते थे। ठीक, पोलैरिटी को हम लोग चेंज करते थे इलेक्ट्रोड और अर्थ केबल को आपस में बदल करके। ठीक, तो इलेक्ट्रोड और अर्थ केबल को पहले हम लोग जो पुरानी मशीनें आती थी उसमें इलेक्ट्रोड और अर्थ जो केबल होते थे आपस में बदल लेते थे, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ये देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोड है और ये दोस्तों हमारा क्या है, अर्थ केबल है, केबल तो यही है ना, देखिए यही तो हम लोग अर्थिंग किए हैं, देखिए कि अलग से हम लोग चिमटा लगाए हैं इसको, यहाँ पर अर्थिंग किए हैं वर्क पीस को, और ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो ये दोस्तों हम लोग क्या किए हैं, पॉजिटिव सिरा देखिए, पॉजिटिव से इसको यहाँ पर किए हैं और इसको यहाँ से निगेटिव से इलेक्ट्रोड किए हैं। ठीक, तो ये दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर देखिए जब हमको चेंज करना रहता है पोलैरिटी, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सिरे से इलेक्ट्रोड को कर दिए और नेगेटिव सिरे से यहाँ पर वर्क पीस को कर देते हैं, तो हम लोग हाथ से करते थे। तो ये दोस्तों पुरानी मशीनें जो रहती थी उसमें दोस्तों हम लोग पोलैरिटी को जो चेंज करते थे इलेक्ट्रोड और जो अर्थ केबल रहता था आपस में हम लोग चेंज करके पोलैरिटी का यहाँ पर उपयोग करके हम लोग अपना वेल्डिंग करते थे। लेकिन अब दोस्तों जो मॉडर्न मशीनें आ गई हैं वेल्डिंग करने की, इसमें दोस्तों आपका स्विच लगा रहता है, आप स्विच को दबाइए पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक, जो पोलैरिटी आपको चाहिए स्विच दबाइए पोलैरिटी चेंज। लेकिन जो पुराने मशीनें होती थी उसमें पोलैरिटी हम लोग हाथ से बदलते थे, जैसे कि यहाँ पर चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं। तो दोनों फिगर यहाँ पर दिया गया है पोलैरिटी का, आप लोग देख सकते हैं, एक रिवर्स पोलैरिटी है एक स्ट्रेट पोलैरिटी है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे पूरा। तो इतना दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग एसी में हम लोग दोस्तों पोलैरिटी का यूज क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो आपस में चेंज होता रहता है हर पल,
और पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होने के कारण जो वहां पर दोनों टर्मिनल होते हैं वहां पर जो हीट जनरेट होता है वह इक्वल होता है, लेकिन जो डीसी रहता है इसमें पॉजिटिव सिरा में पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा और जो नेगेटिव रहेगा उसमें दोस्तों कुछ अलग ही हो जाता है। ठीक, इसी कारण दोस्तों हम लोग जो पोलरिटी यूज करेंगे डीसी में यूज करेंगे, क्योंकि अलग अलग हीट जो जनरेट होता है उसमें हम लोग इक्वल करने के लिए, यानी कि किसको हमको पिघलाना है किसको नहीं पिघलाना है, इसलिए हम लोग वहां पर डीसी यूज करेंगे। जबकि ऐसा एसी में दिक्कत नहीं होता क्योंकि वहां पर दोनों सिरों पर हीट जो जनरेट होता है वह इक्वल होता है। ठीक, तो ये हो गया। और देखिए दोस्तों, तो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में दोस्तों जो अलग अलग दोस्तों हीट जनरेट होता है वह डीसी में होता है, जिसके कारण हम लोग वहां पर पोलरिटी यूज करेंगे। एसी में दोस्तों इलेक्ट्रोड और जो हमारा वर्क पीस रहता है उन दोनों के बीच में सेम हीट जनरेट होता है और उसी के आधार पर हम लोग वेल्डिंग करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पोलरिटी इन वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग जो पोलरिटी होता है इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो अब देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोलरिटी इन वेल्डिंग। ठीक, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पोलरिटी इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में जो ध्रुवता होता है उसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले मैं आपको बता दूं, देखिए क्या होता है। पहला, देखिए दोस्तों जो डीसी वेल्डिंग होता है, ठीक, डीसी वेल्डिंग में आपको पोलरिटी की जब बात यहाँ करेंगे तो समझ जाइएगा डीसी वेल्डिंग की बात की जा रही है। ठीक, तो डीसी वेल्डिंग जो होता है दोस्तों इसमें क्या होता है, जो 2/3 भाग होता है, 2/3 भाग जो हीट होता है ना वो दोस्तों हमारा पॉजिटिव सिरा यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल पर उत्पन्न होता है। ठीक, और दोस्तों जो 1/3 भाग हीट बचता है ये दोस्तों हमारा नेगेटिव टर्मिनल टर्मिनल पर होता है। ठीक, और इसी दोनों, देखिए, और इसी दोनों के बीच में यानी कि इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में जब ये हीट का डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों अलग अलग होगा। ठीक, क्योंकि देखिए पॉजिटिव सिरा से देखिए यहाँ पर कभी हम लोग वर्कपीस को जोड़ेंगे तो कभी इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे और इसी तरह से ये भी, तो जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल जुटेगा उसमें जो हीट उत्पन्न होगा वह 2/3 हीट जनरेट होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुटेगा उसमें दोस्तों 1/3 हीट जनरेट होगा। तो इसी अनइक्वल होने के कारण दोस्तों हमें जैसा वेल्डिंग करना रहता है उसी के अनुसार दोस्तों हम लोग यहाँ पर टर्मिनल यानी कि ध्रुवता को बदल कर, यानी कि टर्मिनल को बदल करके हम लोग पोलरिटी यानी कि यूज कर लेंगे और वहां पर हम लोग अच्छी तरीके से वेल्डिंग करेंगे। ठीक, तो ये होता है दोस्तों कि जो पोलरिटी का इंपॉर्टेंस है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें जो हीट जनरेशन होगा वह 2/3 भाग, 2/3 भाग अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कितना होगा पॉजिटिव सिरे में, यहाँ पर आपका होगा कितना है? लगभग 66%, और जो यहाँ पर होगा लगभग 33%। ठीक, तो पॉजिटिव सिरे में आपका 2/3 भाग या 66% हीट जनरेट होगा या दोस्तों या यहाँ पर 1/3 भाग यानी कि 33% यहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ पोलरिटी यानी कि पोलरिटी के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो इलेक्ट्रोड होगा और जो हमारा वर्क पीस होगा और इन दोनों में दोस्तों अनइक्वल हीट जनरेशन के कारण ही दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि पोलरिटी का प्रयोग करके हम लोग एक सक्सेसफुल वेल्डिंग करते हैं। ठीक, अब पोलरिटी के देखिए प्रकार जो होते हैं ये दोस्तों हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें से आपका पहला और दूसरा, यहाँ पर दो हो गया पोलरिटी का प्रकार कौन कौन सा। तो
देखिए एक रहेगा आपका दोस्तों DCEN, DCEN, और एक रहता है दोस्तों हम लोगों का DCEP। ठीक, DCEN का मतलब होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। ठीक, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। ठीक, और DCEP मतलब होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए दोस्तों जब इलेक्ट्रोड निगेटिव रहेगा, ठीक, तो उसको दोस्तों हम लोग जो नाम देंगे इलेक्ट्रोड निगेटिव वाले को, वो रहेगा दोस्तों हमारा स्ट्रेट पोलरिटी, या इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोल देंगे, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। तो DCSP ये हमारा कहलाएगा DCEN या DCSP, और यहाँ पर जो DCEP रहेगा दोस्तों ये हमारा कहलाएगा डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। तो दोनों चीज यहाँ पर नाम दे सकते हैं आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा। DCEN मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, जब इलेक्ट्रोड निगेटिव हो गया दोस्तों तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्ट्रेट पोलरिटी। ठीक, और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहेगा तो ये हमारा रिवर्स पोलरिटी। पोलरिटी देखिए ये हो गया। ठीक, तो ये इसका फुल फॉर्म में भी पूछता है, तो अभी फुल फॉर्म में मैं आगे बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए चलिए मैं फुल फॉर्म में लिख दूँ, तो देखिए दोस्तों फुल फॉर्म में जो पूछेगा वो रहेगा दोस्तों आपका DCEN, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। ठीक, और इसी का दोस्तों दूसरा जो नाम होता है, या डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, स्ट्रेट पोलरिटी। और दूसरा यही है, मतलब इसी का दूसरा ही नाम है ना, ये DCSP कहलाएगा। तो ये दोस्तों सेम चीजें थी, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब दूसरा जो आता है दोस्तों वो हमारा आता है DCEP, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। या फिर दोस्तों इसी का दूसरा हमारा क्या नाम होता है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। ठीक, तो यहां पर लिखिए डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। अब देखिए दोस्तों जब भी हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव सिरे से जुड़ा रहेगा, ठीक, तो वो हमारा क्या रहेगा, रिवर्स पोलरिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव सिरे से है तो वो हमारा रिवर्स पोलरिटी, इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव सिरे से जुड़ा है तो हमारा स्ट्रेट पोलरिटी कहलाएगा। या फिर दोस्तों अगर इसी को हम लोग वर्क पीस की बात अगर करें, तो अगर इलेक्ट्रोड देखिए नेगेटिव से जुड़ गया तो जो हमारा दोस्तों वर्क पीस रहेगा, ठीक, वो किससे जुड़ेगा, तो पॉजिटिव से जुड़ेगा। ठीक, तो जब भी हमारा वर्क पीस पॉजिटिव सिरे से जुड़ेगा तो हमारा स्ट्रेट पोलरिटी, पॉजिटिव सिरे से स्ट्रेट पोलरिटी। निगेटिव सिरे से जब वर्क पीस जुटेगा, वर्क पीस जब जुटेगा निगेटिव से, जब देखिए इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहेगा तो वर्क पीस हमारा किससे जुटेगा, निगेटिव से जुटेगा। तो जब इलेक्ट्रो यहाँ पर वर्क पीस निगेटिव से जुड़ेगा तो यह हमारा कहलाएगा रिवर्स पोलरिटी। ठीक, तो इस बात को आपको याद रखना है, और यही चीजें जो फिगर में दी गई हैं अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं अलग पेज में ले लेता हूँ ताकि बाद में रिवीजन करने में सही रहे। तो ये दोस्तों मैं ले लिया यहाँ पर, देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, अब अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों ये जो फिगर है, ठीक, अब यहाँ पर अच्छे से अब आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए कौन सा हमारा सिरा है, ये है हमारा पॉजिटिव सिरा। देखिए पॉजिटिव सिरा जो ये वाला है, इसका जो पोटेंशियल है वो हाई है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो विभव है
वह हमारा ज्यादा है। विभव ज्यादा होने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो हीट जनरेट होगा पॉजिटिव सिरे में 66% होगा। निगेटिव सिरा देखिए यहाँ पर एक डीसी में निगेटिव सिरा है, निगेटिव सिरे में दोस्तों जो हीट जनरेट होगा वह कितना होगा तो 33% होगा। इलेक्ट्रॉन की देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है दोस्तों हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर अगर हमारा बह रहा है इस सिरा में तो हमारा जो धारा बहेगा दोस्तों वो हमारा इस दिशा में बहेगा, इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत दिशा में। इधर क्या बहेगा तो धारा बहेगा। ठीक, तो ये तो दोस्तों इसके बारे में हो गया। और देखिए जब दोस्तों हम लोग देखिए डीसी इलेक्ट्रोड को निगेटिव रखेंगे, इलेक्ट्रोड को जब निगेटिव रखेंगे तो ये हमारा कहलाएगा दोस्तों स्ट्रेट पोलरिटी, स्ट्रेट पोलरिटी। यहां पर देखिए चित्र में देखिएगा आप लोग, इसे मैं थोड़ा सा हटा दूं। अब यहां पर देखिए यहां पर जब हमारा निगेटिव सिरे से, ठीक निगेटिव सिरे से जब हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है जब जुटेगा तो ये हमारा कहलाएगा स्ट्रेट पोलरिटी। या फिर दोस्तों जो हमारा वर्कपीस रहेगा, वर्कपीस के सापेक्ष अगर करेंगे, वर्कपीस हमारा किससे जुटेगा तो वह पॉजिटिव सिरे से जुटेगा तो हमारा क्या कहलाएगा स्ट्रेट पोलरिटी। ठीक, तो धन सिरे से हमारा क्या जुड़ेगा वर्कपीस तो पॉजिटिव सिरा यानी कि स्ट्रेट पोलरिटी, और निगेटिव सिरा जब इलेक्ट्रोड से जुटेगा तो भी हमारा स्ट्रेट पोलरिटी। ठीक, और देखिए यहां पर है आपका रिवर्स पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी। रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव सिरा रहेगा, पॉजिटिव सिरे से दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा क्या जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जब पॉजिटिव सिरे से जुटेगा ठीक तो हमारा कहलाएगा रिवर्स पोलरिटी। या फिर दोस्तों जो हमारा वर्कपीस है, ठीक वर्कपीस अगर निगेटिव सिरे से है तो भी हमारा रिवर्स पोलरिटी कहलाएगा। ठीक, तो इस बात को याद रखना है आपको कि स्ट्रेट पोलरिटी में दोस्तों क्या होता है, स्ट्रेट पोलरिटी में जो हमारा पॉजिटिव सिरा रहेगा वह वर्कपीस से जुटेगा और जो नेगेटिव सिरा रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रोड से जुटेगा तो हमारा कहलाएगा स्ट्रेट पोलरिटी। और यही अगर बात करें दोस्तों रिवर्स पोलरिटी, तो रिवर्स पोलरिटी में दोस्तों जो हमारा पॉजिटिव सिरा रहेगा वह इलेक्ट्रोड से जुटेगा और जो नेगेटिव सिरा रहेगा वह हमारा वर्कपीस से जुटेगा। अब देखिए ये देखिए रिवर, आपको अगर याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, आपको भूल जाएगा मुझे भी पता है, तो आप लोग दोनों मत याद करिएगा कौन सा सिरा किससे जुटता है, आप उसको देखिएगा कि वर्कपीस किससे जुट रहा है। तो यहां पर देखिए जब भी रिवर्स की बात करेगा हमेशा हम लोग दोस्तों किसका जिक्र करेंगे वर्कपीस के हिसाब से नाम रखेंगे, वर्कपीस अगर दोस्तों पॉजिटिव सिरा से जुटा रहेगा ठीक तो वो हमारा देखिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सिरा से, ये यहाँ पर देखिए वर्कपीस देखिए दोनों में है, वर्कपीस यहाँ पर भी है, वर्कपीस के आधार पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर वर्गीकरण मतलब नाम रखेंगे याद रखेंगे। वर्कपीस देखिए जब फिर रिवर्स की बात करेगा, रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब यहाँ पर निगेटिव कर देंगे, तो जब वर्कपीस हमारा निगेटिव सिरा से जुटाएगा तो हमारा कहलाएगा रिवर्स पोलरिटी। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा मतलब पॉजिटिव। ठीक, तो वर्कपीस जब दोस्तों हमारा पॉजिटिव सिरे से जुटेगा तो हमारा क्या कहलाएगा स्ट्रेट पोलरिटी, जब वर्कपीस हमारा निगेटिव सिरे से जुटेगा तो हमारा कहलाएगा रिवर्स पोलरिटी। अब यहाँ पर बताइएगा कि जो हमारा स्ट्रेट पोलरिटी वर्कपीस है ये पॉजिटिव सिरे से जुट गया तो इलेक्ट्रोड हमारा किससे जुटेगा निगेटिव सिरे से। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा रिवर्स पोलरिटी में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो हमारा पॉजिटिव सिरे से जुटेगा और इसी के आधार पर दोस्तों हम लोग नाम रखेंगे। तो ये अक्सर पूछेगा कि स्ट्रेट पोलरिटी में वर्कपीस किससे जुटता है तो धन सिरे से जुटता है, और इलेक्ट्रोड किससे जुटेगा तो ऋण वाले सिरे से जुड़ेगा, और जो रिवर्स पोलरिटी रहेगा वर्कपीस निगेटिव से जुटेगा और जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो हमारा पॉजिटिव से जुटेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो रहेगा पॉजिटिव से, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो हमारा निगेटिव टर्मिनल से जुटेगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों पोलरिटी के बारे में। तो हमें आशा है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे,
और मैंने आपको DCEN और DCEP के फुल फॉर्म के बारे में भी बता दिया है। तो डायरेक्ट करंट दोनों में कॉमन रहेगा। इलेक्ट्रोड निगेटिव की बात करेगा, इलेक्ट्रोड निगेटिव मतलब जो वर्क पीस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। वर्क पीस जब पॉजिटिव तो आपका पोलरिटी जो होगा स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों पोलरिटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट पोलरिटी के बारे में, ठीक। तो स्ट्रेट पोलरिटी में देखिए, स्ट्रेट पोलरिटी, अब देखिए स्ट्रेट पोलरिटी, अब स्ट्रेट की बात करेंगे यानी कि दोस्तों हम लोग पॉजिटिव रंग, स्ट्रेट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हम लोग किसके सापेक्ष निकालते हैं तो वर्क पीस के सापेक्ष, ठीक। तो यहाँ पर स्ट्रेट पोलरिटी में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि स्ट्रेट पोलरिटी में जो हमारा दोस्तों पॉजिटिव सिरा रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुटेगा तो वर्क पीस से जुटेगा। और जब देखिए वर्क पीस जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुट गया तो निगेटिव टर्मिनल से हमारा क्या जुटेगा, निगेटिव टर्मिनल से हमारा क्या जुटेगा तो हमारा इलेक्ट्रोड जुटेगा, ठीक। और देखिए दोस्तों पॉजिटिव सिरे में जो हीट जनरेट होगा, अब देखिए हीट जो जनरेट होगा मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा पोटेंशियल ज्यादा होगा, कितना परसेंट होगा तो 66% यहाँ पर होगा, और निगेटिव टर्मिनल में हमारा क्या होगा 33%। अब आप लोग खुद ही बताइएगा, ये जो चित्र आपको दिखाया गया है यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सिरे से हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस का हीट यानी कि जो यहाँ पर हीट जनरेट होगा कितना होगा 66% होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है ये कितना होगा तो ये 33% होगा। अब एक चीज यहाँ पर बताइएगा आप लोग कि हीट अगर यहाँ पर हीट जो ज्यादा जनरेट करेगा वो जल्दी पिघलेगा, यानी कि दोस्तों जो हमारा स्ट्रेट पोलरिटी रहेगा यहाँ पर, अब आप लोग बताइएगा कि जो 66% हीट अगर दोस्तों वर्कपीस, अगर आप वर्कपीस के पास है यानी कि ज्यादा गर्म है, जब ज्यादा गर्म है दोस्तों तो यहाँ पर वर्कपीस क्या होगा पिघलेगा, जब वर्कपीस पिघलेगा इलेक्ट्रोड ज्यादा गर्म हो ही नहीं रहा है तो यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगा वह नॉन कंज्यूमेबल होगा। तो स्ट्रेट पोलरिटी में दोस्तों जो होगा यहाँ पर गर्म ज्यादा कौन होगा, जो ज्यादा गर्म होगा वो पिघलेगा, जो कम गर्म होगा वो नहीं पिघलेगा। तो यहाँ पर वर्कपीस जब हमारा पिघल जा रहा है तो इलेक्ट्रोड हमारा पिघलेगा नहीं पिघलेगा, जब नहीं पिघलेगा मतलब जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो हमारा खपत नहीं होगा, जब खपत नहीं होगा तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा नॉन कंज्यूमेबल, ठीक। याद रखिएगा कि यहाँ पर हीट हमारा स्ट्रेट पोलरिटी में हमारा जो रहेगा वर्कपीस जुटेगा, वर्कपीस जो रहेगा पॉजिटिव सिरे से जुटेगा, पॉजिटिव सिरे में हमारा हीट कितना होगा 66%, यानी कि ये दोस्तों ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा पिघलेगा, जब वर्कपीस हमारा पिघल जा रहा है तो इलेक्ट्रोड हमारा पिघलेगा नहीं पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा, क्योंकि वो हीट कम जनरेट कर रहा है यानी कि वो ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या होगा वर्कपीस पिघल जाएगा इलेक्ट्रोड नहीं पिघलेगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोड होगा दोस्तों हमारा खपत नहीं होगा, इलेक्ट्रोड खपत ना होने के कारण हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड रहेगा वह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा। तो स्ट्रेट पोलरिटी में दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रोड रहता है वह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक। और यहाँ पर तीसरा लिख लीजिए, इसमें पिघलेगा कौन, पिघलने के किसके ज्यादा चांस रहते हैं, तो यहाँ पर वर्कपीस के पिघलने के ज्यादा चांस होते हैं ना, देखिए वर्कपीस के पिघलने के ज्यादा चांस होते हैं, ज्यादा चांस होते हैं, ठीक। वर्कपीस जब पिघल जाएगा तो इलेक्ट्रोड हमारा पिघलेगा नहीं पिघलेगा, जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रोड रहेगा वह खपत नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट पोलरिटी में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। आपको स्पष्ट हो गया होगा, ठीक। और मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेट पोलरिटी का यहाँ पर दोस्तों जो नाम होता है ये हमारा कहलाएगा दोस्तों डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, इलेक्ट्रोड निगेटिव हो गया, ठीक। तो हमारा वर्कपीस क्या होगा पॉजिटिव होगा, जब वर्कपीस पॉजिटिव तो उसका नाम हम लोग क्या देंगे वर्कपीस पॉजिटिव यानी कि स्ट्रेट पोलरिटी,
क्योंकि स्टेट मतलब प्लस करेंगे पोलरिटी, ठीक। तो इसी का दूसरा नाम क्या है, डीसीईएन, स्ट्रेट पोलरिटी, यानी कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, या इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक। और स्ट्रेट पोलरिटी में जो हमारा दोस्तों वर्क पीस रहेगा वो किससे जुटेगा, तो पॉजिटिव सिरे से जुटेगा, ठीक, जैसा कि चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रिवर्स पोलरिटी के बारे में, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो दोस्तों स्ट्रेट पोलरिटी यूज किया जाता है, ये दोस्तों मैनली जो यूज किया जाता है ना, यहाँ पर देखिए ये भी लिखवा दूं थोड़ा, देखिए यहाँ पर ये दोस्तों मैनली जो होता है स्ट्रेट पोलरिटी जो यूज किया जाता है वेल्डिंग विथ बेयर, ठीक, लाइट कोटेड और मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड यहाँ पर के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेट पोलरिटी। यानी कि अगर दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रोड है अगर वह लाइट कोटेड है, यानी कि उसकी जो कोटिंग की गई है वह अगर मतलब ज्यादा नहीं है, मीडियम कोटेड है, तो वहां पर दोस्तों हम लोग यूज क्या करेंगे, स्ट्रेट पोलरिटी। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्ट्रेट पोलरिटी अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज करेंगे वहां पर हमारा क्या होगा कि अगर लाइट कोटेड है तो मतलब वो और वर्क पीस हमारा यहाँ पर क्या होगा ज्यादा गल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोड है इसका लाइट कोट से ही काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा वर्क पीस है इतना ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा कि वहां पर हमारा जो जो वर्क पीस रहेगा वो ऑटोमेटिक गल जाएगा। जहां पर वेल्डिंग करेंगे जो ऑटोमेटिक गल जाएगा तो इलेक्ट्रोड हम लोग क्या रखेंगे, लाइट कोटेड ही रख लेंगे, ज्यादा हमको रखने की जरूरत नहीं, भाई हम लाइट वेट क्यों रख, लाइट वेट ही यूज करेंगे क्योंकि हमारा वर्क पीस यहाँ पर गल जा रहा है। लेकिन अगर दोस्तों हमारा अगर जो वर्क पीस है अगर ये गलता नहीं तो हम लोग जो कोटिंग यूज करते हैं इलेक्ट्रोड का वह ज्यादा कर लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमारा वर्क पीस पिघल जा रहा है तो इलेक्ट्रोड जो यूज करेंगे वह हमारा लाइट कोटेड रहेगा या मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड रहेगा, वेल्डिंग विथ बेयर भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। और देखिए वेल्डिंग द थिकर सेक्शन, यानी कि जो थिकर सेक्शन होते हैं इसका वेल्डिंग करने के लिए हम लोग दोस्तों यूज कर लेते हैं डाउन हैंड पोजिशन, ठीक। और देखिए अब इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा कहलाएगा रिवर्स पोलरिटी, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारा रिवर्स पोलरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिवर्स पोलरिटी। रिवर्स पोलरिटी में देखिए क्या होता है, रिवर्स पोलरिटी में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हीट जनरेट होगा ये कितना होगा, 66% होगा पॉजिटिव सिरा, पॉजिटिव सिरा यानी कि जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 66% हीट आ जाएगा। जो यहाँ पर होगा वर्क पीस निगेटिव सिरे से है, निगेटिव सिरे में जो हीट होगा 33%। अब आप यहाँ पर बताइएगा कि जहां पर हीट जनरेट ज्यादा होगा वो ज्यादा पिघलेगा। अब बताइएगा कि यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोड होगा ये दोस्तों 66% अगर हीट ले रहा है तो पिघलेगा क्या, इलेक्ट्रोड पिघलेगा ना। जब इलेक्ट्रोड पिघलेगा यहाँ पर तो बताइए इलेक्ट्रोड क्या होगा, खपत होगा वर्क, ठीक। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर हमारा क्या होगा रिवर्स पोलरिटी में, हमारा इलेक्ट्रोड जो होगा वह दोस्तों कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा, इलेक्ट्रोड क्या होगा हमारा कंज्यूमेबल रहेगा। क्यों कंज्यूमेबल रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हीट ज्यादा जनरेट हो रहा है, जो ज्यादा जनरेट हीट होगा वो पिघलेगा। पिछले वाले में क्या था स्ट्रेट पोलरिटी में कि वर्क पीस ज्यादा हीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो रिवर्स पोलरिटी है इसमें हमारा इलेक्ट्रोड ज्यादा हीट ले रहा है, जब ज्यादा हीट लेगा तो इलेक्ट्रोड खपत होगा, जब इलेक्ट्रोड खपत होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यहाँ पर रिवर्स पोलरिटी में क्या होगा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा। और इलेक्ट्रोड किससे जुड़ेगा, हमारा इलेक्ट्रोड इसमें जो जुड़ता है दोस्तों वो हमारा जुड़ता है पॉजिटिव सिरे से, ठीक। वर्कपीस किससे जुटेगा, वर्कपीस किससे जुटेगा तो नेगेटिव सिरे से, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका देखिए प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसका जो प्रयोग हम लोग करेंगे वह दोस्तों ज्यादातर यूज करेंगे हम लोग कहाँ पर, नॉन फेरस मेटल के लिए। तो नॉन
नॉन फेरस मेटल के लिए। और यहाँ पर देखिए और क्या कहाँ यूज करेंगे, तो कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन की बिल्डिंग के लिए भी हम लोग जो पोलरिटी यूज करेंगे वह रिवर्स पोलरिटी यूज करेंगे। ठीक, अब चौथा यहाँ पर देखिए और देखिए हैवी और सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, हैवी एंड सुपर हैवी क्यों यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, खपत हो रहा है, तो हम लोग चाहेंगे दोस्तों कि हमारा जो इलेक्ट्रोड हो कम खपत हो। कम खपत क्यों होगा, हम लोग सोचेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है जल्दी खत्म ना हो। ठीक, क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग भी अगर खपत ज्यादा होगा तो वेल्डिंग में हम लोग दोस्तों सोचते हैं कि खपत ज्यादा होगा तो वो हमारा महंगा भी पड़ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोड हम लोग सोचेंगे जो इलेक्ट्रोड है इसका खपत कम हो। तो इसका खपत कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोटिंग ज्यादा कर देते हैं। तो हैवी और सुपर हैवी कोटिंग है यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं। और जबकि पिछला वाला जो था उसमें दोस्तों हमारा क्या था कि इलेक्ट्रोड वर्कपीस पिघल जा रहा था, इलेक्ट्रोड पिघल नहीं रहा था, इसलिए हम लोग लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड से काम चला ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर रिवर्स पोलरिटी में जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या इलेक्ट्रोड पिघलने के ज्यादा चांस है, ये भी दोस्तों यहाँ पर लिख दूं मैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड के पिघलने के चांस ज्यादा हैं, इसे भी आप लोग लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड के पिघलने के चांस यहाँ पर ज्यादा होते हैं। ठीक, इसे लिख लीजिए ताकि अभी मैं जब रिवीजन कराऊंगा तो वहां पर आपको याद आ जाएगा यहाँ पर किसके पिघलने के ज्यादा चांस होंगे, तो इलेक्ट्रोड के पिघलने के चांस ज्यादा होते हैं। अब देखिए इसलिए हम लोग क्या रखेंगे कि इलेक्ट्रोड कम पिघले, कम खपत हो इलेक्ट्रोड, कम खपत होगा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा वेल्डिंग कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोड को कम खपत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोटिंग उसका हैवी कर देंगे, यानी कि ज्यादा कोटेड रखेंगे। तो हैवी कोटेड या सुपर कोटेड हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे रिवर्स पोलरिटी में। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इसका और कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, तो देखिए इसका यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिए छठा, तो इसका देखिए हम लोग कहाँ करेंगे, वेल्डिंग इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजीशन में, यानी कि जहां पर हम लोग दोस्तों हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग या फिर दोस्तों वर्टिकल वेल्डिंग या फिर दोस्तों हम लोग जहां पर ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग मतलब आप लोगों को पता होगा क्षैतिज में, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर यानी कि जैसे कि दीवार पे, ओवरहेड यानी कि अपने सर के ऊपर जब वेल्डिंग करना रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड वेल्डिंग, यानी कि छत पर जो वेल्डिंग होते हैं अपने सर के ऊपर जो छत लगा रहता है उस तरह का वेल्डिंग करना रहता है तो वहां पर ओवरहेड वेल्डिंग वो कहलाता है। और देखिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे और जगह कहाँ पर, तो शीट मेटल वेल्डिंग में। ठीक, तो शीट मेटल वेल्डिंग, शीट मेटल वेल्डिंग में। अब देखिए आठवां यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर DCEP इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव सिरे से जुटा था, तो DCEP यानी कि डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव तो हमारा वर्क पीस क्या होगा निगेटिव, जब इलेक्ट्रोड निगेटिव हो गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिवर्स पोलरिटी। तो DCEP या DCRP डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, तो ये हो गया दोस्तों। तो ठीक अभी अब चलिए इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पोलरिटी क्या है, यानी कि ध्रुवता क्या है, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो यानी कि धारा के प्रवाह की दिशा, यानी कि जो हमारा वेल्डिंग सर्किट होता है उसमें धारा के प्रवाह की दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवता बोलते हैं। और कन्वेंशनल थ्योरी दोस्तों हमारा ये कहता है कि जो भी हमारा धारा का प्रवाह होता है वह दोस्तों हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, और यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां से दोस्तों निगेटिव टर्मिनल की ओर हमारा धारा बहता है, और उसी के कारण दोस्तों यह हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर जाता है, जो धारा हमारा बहता है वो पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर जाता है, यही हमारा कहलाता है कन्वेंशनल थ्योरी। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारे ओल्ड मशीनें हुआ करती थी
ओल्ड मशीनों में दोस्तों हम लोग जो पोलैरिटी रहता था हाथ से चेंज करते थे, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि कभी हम लोग इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर देंगे और कभी हम लोग वर्क पीस को पॉजिटिव कर देंगे, जैसा चेंज करते थे उसी हिसाब से ये पोलैरिटी चेंज होता था। लेकिन एक मॉडर्न एज में दोस्तों अब आप लोगों के लिए आ चुका है स्विच, स्विच की सहायता से दोस्तों हम लोग पोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों पॉजिटिव सिरा जो भी रहेगा वहां पर जो हीट जनरेट होगा 2/3 भाग, ठीक, यहाँ पर मैं लिख दूं वरना आप लोग इसे भूल जाएंगे, कहीं कहीं आपको 2/3 भाग कहेगा। पॉजिटिव सिरा यहाँ पर देखिए जो जुड़ा है 2/3 भाग, 2/3 भाग, या इसी को हम लोग बोलेंगे 66%। और जो निगेटिव सिरा रहेगा यहाँ पर जो हीट जनरेट होगा दोस्तों 1/3 भाग, या दोस्तों ये 33%। ठीक, तो जिससे जो जुड़ेगा वो दोस्तों गर्म होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें जैसे कि इलेक्ट्रोड यहाँ पर देखिए जो जुटा है निगेटिव सिरे से जुड़ा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड रहेगा ये दोस्तों कम हीट होगा, तो पॉजिटिव सिरे से वर्क पीस जुड़ा है यहाँ पर हीट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हीट 66% आएगा, और जो इलेक्ट्रोड का हीट आएगा यह हमारा 33% आएगा। ठीक, अब इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव सिरे से जब जुड़ेगा दोस्तों, पॉजिटिव सिरे रहेगा वर्क पीस, तो ये हमारा कहलाएगा स्टेट पोलैरिटी। और देखिए यहाँ पर ये हमारा स्टेट पोलैरिटी का है, तो डीसी एसपी या इलेक्ट्रोड निगेटिव या स्टेट पोलैरिटी। और दूसरा जो फिगर है दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव सिरा से देखिए हमारा क्या जुटा है इलेक्ट्रोड, वर्क पीस किससे जुड़ा है तो निगेटिव, तो इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव से है और वर्क पीस निगेटिव से है, तो वर्क पीस जब निगेटिव से है दोस्तों तो हमारा क्या कहलाएगा रिवर्स पोलरिटी। ठीक, और इसी का दूसरा नाम क्या है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेट यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक, तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सिरे से जुटा है। और इसमें जो हीट जनरेट होगा ऐसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि जो हमारा अच्छा चलिए आगे बता देते हैं। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी में यही है दोस्तों कि जो हमारा टर्मिनल होता है डायरेक्ट करंट में उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव सिरा में अलग हीट जनरेट होगा, निगेटिव सिरा में अलग हीट जनरेट होगा, जिसके कारण दोस्तों ये अनइक्वल हीट जनरेशन के कारण दोस्तों हमें वेल्डिंग करने में काफी मदद मिलती है। जैसा वहां पर किसको हमको ज्यादा गलाना है किसको कम गलाना है और उसी के अनुसार हमें वेल्डिंग करना है, तो उसी के अनुसार हम लोग सक्सेसफुल वेल्डिंग कर पाते हैं। ठीक, तो इसलिए दोस्तों 2/3 हीट जो जनरेट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, 1/3 हीट जो जनरेट होगा या 33% निगेटिव टर्मिनल से। ठीक, ये होता है दोस्तों अनइक्वल हीट जनरेशन के कारण हम लोग पोलैरिटी का यूज करके अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर पाते हैं, जबकि दोस्तों हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट का यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं पोलैरिटी के रूप में, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो पॉजिटिव सिरा है कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, और जिसके कारण वहां पर जो हीट जनरेट होगा वह इक्वल जनरेट होता है दोनों टर्मिनल पे। ठीक, इसलिए यहाँ पर वैसा कोई भी पोलैरिटी का महत्व नहीं रहता है एसी में, इसलिए दोस्तों पोलैरिटी जब भी यूज होगा वो हमेशा दोस्तों आपका डीसी में ही यूज होगा, एसी में यूज नहीं होता है पोलैरिटी। अब देखिए दोस्तों जो भी हमारा पोलैरिटी होगा वह दो तरह का होता है पोलैरिटी, अगर एक हो रहता है पहला आपका डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, जिसमें कि हमारा वर्क पीस रहेगा वह पॉजिटिव सिरे से जुटा रहेगा, इलेक्ट्रोड अगर निगेटिव है तो सिरा जो हमारा वर्क पीस रहेगा वो पॉजिटिव से जुड़ेगा, जब वर्क पीस पॉजिटिव से जुड़ेगा तो हमारा क्या कहलाएगा स्ट्रेट पोलैरिटी, डीसी करंट स्ट्रेट पोलैरिटी ये हमारा कहलाएगा। अब देखिए दूसरा है हमारा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव सिरे से जुटा है तो हमारा वर्क पीस किससे रहेगा निगेटिव टर्मिनल से, जब निगेटिव से रहेगा वर्क पीस जुटा हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे रिवर्स पोलैरिटी, तो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी ये हो गया। ठीक, और देखिए ये जो फिगर है ये आप लोग देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पर इसका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है कि डीसी ईएन का डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, जब इलेक्ट्रोड निगेटिव यानी कि वर्क पीस पॉजिटिव यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी, तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम हो जाता है डीसी एसपी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। दूसरा क्या हमारा डीसीईपी, डीसीईपी मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव है तो वर्क पीस हमारा क्या होगा निगेटिव, अगर वर्क पीस निगेटिव है तो हमारा क्या कहलाएगा रिवर्स पोलैरिटी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ये दोनों के नाम पता हो गए। अब आगे देखिए क्या है हमारा, आगे दोस्तों यहाँ पर पोलैरिटी के बारे में दिया गया है कि स्टेट पोलैरिटी में दोस्तों जो हमारा
रहेगा वर्क पीस वो पॉजिटिव सिरे से जुटेगा, जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो हमारा निगेटिव सिरे से जुटेगा। तो यहाँ पर देखिए मेल्ट होने के किसके ज्यादा चांस रहेंगे स्ट्रेट पोलरिटी में, तो वर्क पीस दोस्तों हमारा क्या होगा 66% हीट लेगा, तो इलेक्ट्रोड जो होगा हमारा वह ज्यादा गलेगा, सॉरी वर्क पीस जो होगा हमारा वह ज्यादा गलेगा, इलेक्ट्रोड जो होगा दोस्तों ये हमारा 33% हीट लेगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड कम गलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो वर्क पीस हमारा ज्यादा गलेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे वह लाइट कोटेड से ही काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वर्क पीस है वह खुद ही गल जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोड हमारा कम गलेगा। कम गलेगा तो मतलब यहाँ पर लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे, ठीक। और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड क्या होगा, खपत होगा, नहीं खपत होगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वर्क पीस हमारा यहाँ पर खुद ही गल जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड का खपत नहीं होता और लाइट कोटेड होता है, ठीक। तो यह हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है हमारा स्टेट पोलरिटी में, जबकि यहाँ पर रिवर्स पोलरिटी में हमारा क्या होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो हमारा पॉजिटिव सिरे से रहेगा, यानी कि यहाँ पर जब पॉजिटिव सिरे से इलेक्ट्रोड हो गया तो यहाँ पर और इसको नेगेटिव सिरे से वर्क पीस रहेगा, तो इलेक्ट्रोड के दोस्तों यहाँ पर हीट देखिए यहाँ पर कितना होगा, पॉजिटिव सिरे से जुटा है तो इलेक्ट्रोड हमारा 66% हीट लेगा, तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर दोस्तों खपत होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रोड ज्यादा खपत होगा दोस्तों यहाँ पर 66%, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड यहाँ पर रिवर्स पोलरिटी में क्या होगा, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि इलेक्ट्रोड हमारा कम खपत हो, कम खपत होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम लोग कोटेड करेंगे वह हाईली क्या करेंगे, कोटेड रखेंगे या सुपर कोटेड या हैवी कोटेड यूज करते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों, और वही चीज देखिए स्ट्रेट पोलरिटी में मैंने वही जो बताया कि स्ट्रेट पोलरिटी में वर्क पीस जो होगा पॉजिटिव सिरे से जुटेगा, पॉजिटिव सिरे का जो हीट होगा वह 66% आएगा वर्क पीस पर, नेगेटिव टर्मिनल में दोस्तों इलेक्ट्रोड यहाँ पर जुटेगा नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड अगर वह 66% होगा यानी कि दोस्तों वर्क पीस पिघलने के ज्यादा चांस रहेंगे, इलेक्ट्रोड के पिघलने के चांसेस कम रहेंगे। जब इलेक्ट्रोड हमारा ज्यादा पिघल जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर वर्क पीस जब हमारा ज्यादा पिघल जाएगा तो इलेक्ट्रोड हमारा पिघलेगा नहीं, क्योंकि हमारा वर्क पीस पिघल जा रहा है, इलेक्ट्रोड नहीं पिघलेगा। तो इलेक्ट्रोड जब नहीं पिघलेगा तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोड रहेगा वह हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए वर्क पीस के पिघलने के जो चांस होते हैं वह ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 66% हीट यही लेता है, क्योंकि ये पॉजिटिव सिरे से जुटा रहता है। अब देखिए इसका नाम DCEN या DCSP है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव या डायरेक्ट करंट स्टेट पोलरिटी, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। बाकी यहाँ पर देखिए रिवर्स पोलरिटी आ गया, रिवर्स पोलरिटी में दोस्तों इलेक्ट्रोड जो होगा वह हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा, और जो इलेक्ट्रोड रहेगा वह पॉजिटिव सिरे से जुटेगा, तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव सिरे से और वर्क पीस क्या होगा हमारा नेगेटिव सिरे से, जब इलेक्ट्रोड सॉरी वर्क पीस जब यहाँ पर नेगेटिव सिरे से जुटेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, रिवर्स पोलरिटी। और यहाँ पर जो हमारा नॉन फेरस मेटल रहेगा, ठीक, यहाँ पर यूज करेंगे किसके लिए, रिवर्स पोलरिटी नॉन फेरस मेटल के लिए, कास्ट आयरन के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा दोस्तों वह हैवी या सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक। तो हैवी या सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं रिवर्स पोलरिटी में, क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, पॉजिटिव सिरे से जुटा है तो 66% हीट लेगा, वर्क पीस हमारा नेगेटिव सिरे से 33%, यहाँ पर इलेक्ट्रोड ज्यादा खपत होगा क्योंकि ये गलेगा, क्योंकि हीट ज्यादा लेगा, तो हम लोग चाहेंगे इलेक्ट्रोड हमारा कम खपत हो, जिसके कारण यहाँ पर जो कोटिंग करेंगे वह हैवी या सुपर हैवी कोटिंग करेंगे, ठीक। और इलेक्ट्रोड के पिघलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपको भी पता होगा, क्योंकि यहाँ पर हीट ज्यादा जनरेट होगा पॉजिटिव सिरे से। और देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ओवरहेड वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग रिवर्स पोलरिटी का यूज करते हैं, और शीट मेटल वेल्डिंग में भी हम लोग रिवर्स पोलरिटी यूज करते हैं, और इसका नाम है DCEP, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, ठीक। तो ये है दोस्तों हमारा पोलरिटी के बारे में पूरा यहाँ पर कम्प्लीट होता है। तो हमें आशा है दोस्तों अगर पोलरिटी से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे अब छूटेगा नहीं, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये दोस्तों जो objectivecenter.in है आप लोग इस पे अपने वैकेंसी का अपडेट पा सकते हैं, तो जाके अपना objectivecenter.in जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपना वैकेंसी देखते रहिए, एडमिट कार्ड देखते रहिए, रिजल्ट देखते रहिए, और प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करके पढ़ते रहिए, ठीक। तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेक कर लीजिए, ठीक। बाकी और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब बाकी अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में, क्योंकि वही अब हमारा लास्ट बचा हुआ है,
ठीक, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।